हेलो एवरी वन सो लेट विद स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आई होप कि आप सबने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होंगी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन जिसकी वॉल्यूम है पॉइंट जीरो फाइव एम एल के ड्रॉप की वॉल्यूम आपको दी गई है इस ड्रॉप में थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स मोल है एच पॉजिटिव आयन्स के इफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच पॉजिटिव इज वन इंटू टेन रिज टू पावर सेवन मोल पर लीटर पर सेकेंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर एच पॉजिटिव इन द ड्रॉप टू तो देखिए यहां पर हमें के की वैल्यू दी गई है वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रिज टू पावर सेवन मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या हमें डिफाइन किया गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर नहीं बट के के यूनिट्स को देख के हम बता सकते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकेंड एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स हैं तो इसका हमें पता लग गया कि इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी होता है क्या आप लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के क्योंकि कंसंट्रेशन रेज टू पावर जीरो होगा ओके okay? तो रेट के के बराबर है तो जब आप लिख रहे हैं कि वन इंटू टेन रेज टू पावर सेवन मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका मतलब कि हर सेकेंड में एवरी सेकेंड कंसंट्रेशन ड्रॉप्स बाय वन पॉइंट जीरो इंटू टेन एज और सेवन मोल पर लीटर हर सेकेंड कंसंट्रेशन में इतना ड्रॉप आ रहा है ओके okay? तो इतना आप ये हम लिख सकते हैं ठीक है और यह जो के टी की वैल्यू है ये जीरो ऑर्डर एक्शन आपको पता ही एक्स होती है तो एक्स इज इक्वल टू के टी ठीक है तो यहां से भी अगर हम इक्वेशन को यूज करेंगे कि फाइनल कंसेंट्रेशन सी टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस के टी तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए यहां पे जीरो क्योंकि वो बोल रहे कि एच पॉजिटिव से पूरा सॉरी ड्रॉप से सारा का सारा एच पॉजिटिव डिसपेयर हो जाना चाहिए तो हमें पूछा गया है कि सी टी आपकी जीरो है तो ये जीरो होगी तो सी नॉट इज इक्वल टू के टी आ जाएगा क्लियर अब टी आपको निकालना है के आपको दिया गया पर क्या सी नॉट आपको दिया गया है नहीं आपको यह दिया है कितने मोल हैं कितनी वॉल्यूम में पर सी नॉट जो कि इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है उसको कैलकुलेट आप कैसे करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव दैट इज थ्री इंटू टेन और माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल में तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल बट कंसंट्रेशन के लिए तो वॉल्यूम लीटर्स में चाहिए तो लीटर्स में आप इसको क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो थाउजेंड ऊपर चला जाएगा वन थाउजेंड यहां पर आ जाएगा तो कंसेंट्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके आएगी आपकी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मोल पर लीटर ओके तो आ आएगी एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन अब आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं कि सी नॉट आपका है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइड बाय के की वैल्यू है वन इन टेन टू पावर सेवन तो यह आ जाएगा टाइम और सॉल्व करके आएगा आपके पास टाइम विल बी अप्रॉक्सिमेटली सिक्स इन टू टेन रेस टू पावर माइनस नाइन सेकेंड्स ओके तो आई थिंक दैट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन बट यहां पर ध्यान आपको यह देखना है कि के के यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है दूसरी बात जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको कभी भी इक्वेशन में यूज नहीं करना क्योंकि ये पर सीटी और सी नॉट नंसेंट्रेशन है दैट इज मोलैरिटी तो आप मोल अपॉन वॉल्यूम करके पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम को हमेशा लीटर्स में लेना है जब आप नंबर ऑफ मोल्स यूज़ कर रहे हैं अगर आप नंबर ऑफ मिली मोल्स यूज कर रहे हैं तब आप वॉल्यूम को मिली में ले सकते हैं अब देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% परसेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी तो टी टाइम में वो नाइनटी परसेंट हो रहा है मतलब हंड्रेड से आपने स्टार्ट किया था तो दस परसेंट बचेगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी हाउ मच तो यहां पर आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं देखिए अगर आप हंड्रेड से स्टार्ट करते हैं और टी टाइम में नाइन्टी परसेंट ड्रॉप हो जा रहा है और बच रहा है टेन तो अगले टी टाइम में फिर से कितना ड्रॉप होना चाहिए नाइन्टी परसेंट तो दस का नाइन्टी परसेंट कितना होगा नाइन तो नाइन कम हो जाएंगे इसे तो वन बचेगा अगले टी टाइम में वन से 90 परसेंट ड्रॉप आएगा तो दैट इज जीरो पॉइंट नाइन ड्रॉप हो गया तो बचा जीरो पॉइंट वन तो हंड्रेड से जीरो पॉइंट वन मतलब नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट कंज्यूम हो गया ठीक है कितने टाइम में थ्री टी इन थ्री टी ओके थ्री टाइम्स और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 90% परसेंट कंप्लीट हो रहा है तो के को लिख लीजिए आप 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग इनिशियल आप कितना था 100 लिया था 90% परसेंट कंज्यूम हो गया तो 10% परसेंट बचेगा ठीक है तो इसको टी ही रहने देना है आपको क्योंकि आंसर आपको टी में ही निकलेगा तो के यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए के आ जाएगा टू अपॉन टी डैश कितने टाइम में हुआ ये तो अब Start आपने 100 से किया था पर 99.9% खत्म हो गया तो 0.1% बचेगा तो यहां पर टी यह डैश आपको कैलकुलेट करना है k की वैल्यू आप इस इक्वेशन से पुट कर लेंगे तो आप आ जाएगा 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी इज इक्वल टू तो ये k की जगह इस इक्वेशन को आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा बट दिस शॉर्टकट इज बेटर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये गैसेस रिएक्टेंट्स के ऊपर बेस्ड है कि यहां पर तीनों आपके रिएक्टेंट जो वो गैसेस फॉर्म में है तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है फॉर्मुला डिराइव करना पड़ता है तो देखिए फॉर ए रिएक्शन टू ए गैसे यू फोर बी गैसेस प्लस सी गैसेस इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज पॉइंट वन एटमोसफेयर तो देखिए इनिशियल प्रेशर यहां पर आपको दिया गया है तो अगर हम इक्वेशन को लिखेंगे टू ए गैसेज यू फोर बी t इज इक्वल टू जीरो पे इसका प्रेशर हम मान लेते हैं ये पी नॉट है क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है ये दोनों जीरो होंगे आफ्टर टाइम आप बोले कितने टाइम के बाद टोटल प्रेशर 0.15 होगा तो मान लीजिए टी टाइम के बाद होगा तो टी टाइम ये पी नॉट माइनस टू पी क्योंकि दो है यहाँ पे स्टॉक्यूमेट्री तो दो प्रेशर ड्रॉप होंगे तो यहाँ पर फोर प्रेशर बनेंगे तो ये फोर पी और ये पी तो अब देखिए इनिशियल प्रेशर आपको दिया गया है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ ए जो कि पी नॉट है वो 0.1 पॉइंट क्वेश्चन में दिया है दिस इज गिवन सेकेंड फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्योंकि फाइनल प्रेशर मिक्सचर को होगा तो वो कितना है देखिए पी नॉट माइनस टू पी प्लस फोर पी प्लस पी तो आप लिखते हैं कि जो पी टोटल है जो कि दिया गया है 0.15 पॉइंट वो किसके बराबर है पी नॉट प्लस थ्री पी के बराबर तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे देखिए पी नॉट कितना दिया गया आपको 0.1, ठीक है और ये पी टी दिया गया 0.15। तो यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी 0.0166 पॉइंट एटमोसफेयर तो पी की वैल्यू आ गई अब अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा देखिए के इज इक्वल टू दैट इज सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू आर माइनस थ्री इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी अब ये टी की वैल्यू आपकी सेकंड्स में आएगी क्योंकि के आपको सेकंड में दिया गया है ठीक है और आई थिंक आपको ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि क्योंकि K के के यूनिट्स पर सेकेंड है इसलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए मैं डायरेक्टली बिना बताए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं ठीक तो तो है, है? तो है, है तो देखिए लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल तो इनिशियल प्रेशर कितना है यहां पे पी नॉट फाइनल कितना है पी नॉट माइनस टू पी तो पी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है जीरो पॉइंट वन और अगर पी की वैल्यू पॉइंट जीरो वन सिक्स सिक्स है तो टू पी की निकाल सकते हैं और जीरो पॉइंट वन से उसको सब ट्रैक कर सकते हैं ठीक है तो याद आएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री जीरो पॉइंट टी लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन तो यहां से टी की वैल्यू फाइनली आ जाएगी आपके पास फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर सेकेंड्स सो दैट इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम ओके तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द जेई एडवांस लेवल अगर आप जे एडवांस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस क्वेश्चन वन एम एल सैंपल ऑफ अ बैक्टीरियल कल्चर एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इज टेकन एंड डायल्यूटेड टू टेन लीटर्स तो कोई बात नहीं हमारे पास वन एम एल बैक्टीरियल कल्चर का सैंपल था इसको हमने डायल्यूट किया टेन लीटर में और उस टेन लीटर का जो सैंपल है इससे फिर हम ml फिर से ले रहे हैं ठीक है और उसको हम किस पे डाल रहे हैं जो कल्चर प्लेट है ठीक है फिर उसको हम इनक्यूबेशन के लिए डाल देंगे तो इस वन एम की जो कल्चर प्लेट है इस पे हमने वन एम का सैंपल डाल दिया अब धीरे धीरे से बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे ओके तो किस टाइम से देखिए दिस इज अवर रेफरेंस टाइम टी इज टू जीरो जैसे आपने टेन लीटर तक उसको डायल्यूट किया उसके बाद से अब बैक्टीरिया तो ग्रो करता ही रहेगा ठीक है, रहे है। आप कल्चर प्लेट पे डाल के उसको अलग से उसको एनालाइज कर रहे हो वो एक अलग बात है पर इस टी जिकुल टू जीरो के बाद बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा तो आपने टी जिकल टू जीरो पर एक एम एल लिया और उसके कल्चर प्लेट पे डाल के इनक्यूबेशन स्टार्ट कर दी उसके दस मिनट के बाद टेन मिनट्स लेटर आपने एक और वन एम एल सैंपल लिया आफ्टर टेन मिनट्स ठीक है तो ये आपने जीरो पर लिया ये टी टेन मिनट्स पर लिया और इसको भी आपने कल्चर प्लेट पर डाल दिया ओके okay, अब उससे क्या होगा कि फर्स्ट प्लेट को द टू प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स दोनों प्लेट्स को ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए इंक्यूबेट किया फर्स्ट सैंपल ने फाइनली दी 48 एट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया सेकेंड सैंपल ने दी सेवेंटी टू कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ठीक है डिफरेंस क्यों आया देखिए दोनों में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ का जो रेट है दैट इज सेम क्यों सेम है क्योंकि दोनों में जो रिएक्शन है वो तो एक तरह से होगा तो के दोनों के लिए सेम होगा ठीक है तो ग्रोथ रेट सेम होगा बट एक में फोर्टी एट बन रही है एक में सेवेंटी टू बन रही है कितने टाइम में ट्वेंटी फोर आर्स में अब ये डिफरेंस इसलिए आया देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि दैट ईच कॉलोनी ओरिजिनेट्स विद अ सिंगल बैक्टीरियम मतलब 48 एट कॉलोनीज का मतलब है कि पहले आपका एक बैक्टीरिया था तो एक बैक्टीरिया से एक कॉलोनी बनती है ठीक है अब 48 एट कॉलोनीज है तो मतलब 48 एट बैक्टीरियाज हैं ओके तो हम ये मान के चलेंगे कि टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर आपकी इनिशियल बैक्टीरिया की कंसेंट्रेशन ए थी तो ए से वो फोर्टी एट गए अब टी इज इक्वल टू टेन मिनट्स पे वो ए नहीं रहेगी क्योंकि ए से वो धीरे धीरे बढ़ चुके होंगे तो मान लीजिए ये आपकी ए डैश से स्टार्ट हुआ मतलब बैक्टीरिया पहले ही थोड़े बढ़ चुके थे फिर वो ट्वेंटी फोर आवर्स में और ग्रो करके सेवेंटी टू बना रहे हैं तो अब क्योंकि बोथ रिएक्शंस हैव सेम वैल्यू ऑफ के ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब दोनों की रेट की जो प्रोग्रेस होगी वो तो सेम होगी क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन ए डैश शुड बी इक्वल टू 48 एट अपॉन सेवेंटी मतलब ए के कोरस्पॉन्डिंग 48 बन रहे थे और ए डैश के कोरस्पॉन्डिंग 72 बन रहे हैं तो ट्वेंटी से इसको करेंगे तो हम टू बाय थ्री तो ए डैश कितना आ जाएगा आपके पास थ्री बाई टू दैट इज वन पॉइंट फाइव ए मतलब ये जो आप ए डैश आप ले रहे हो यहां पर दस मिनट के बाद वो कितना हो गया इस ए से डेढ़ गुना ज्यादा थे मतलब मिनट में ही वो डेढ़ गुना हो गए ठीक है अब k इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री कितने मिनट में डेढ़ गुना हुए थे दस मिनट में तो टेन लॉग और a प्लस एक्स अपॉन ए देखिए बैक्टीरियल ग्रोथ में फाइनली कितना हो रहा है वो वन पॉइंट फाइव ए इनिशियली कितने थे ए ठीक है तो यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो फाइव और जो टी हाफ सॉरी नॉट टी हाफ टी जनरेशन ठीक है कि डबल कितने टाइम में होते हैं जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाय के तो ये के की वैल्यू पुट करेंगे आप तो याद आएगा अप्रॉक्सीमेटली सेवन पॉइंट इलेवन इलेवन मिनट्स ओके okay, और के की वैल्यू के यूनिट्स क्या होंगे यहां पर मिनट क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो दिस इज द क्वेश्चन इसमें आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है पर धीरे धीरे चाहिए फर्स्ट टाइम में कोई भी स्टूडेंट जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर ले ये बहुत कम होता है तो अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो अब नेक्स्ट टाइम जो आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे फिर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उस टाइम आपको क्वेश्चन समझ आ जाए ठीक है बट पॉइंट ये कि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पहले से होने चाहिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओके okay? अब देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में बेसिक एग्जांपल आप ले सकते हैं सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री एसिटोन का आई टू के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन तो यहां पर रेट किस पर डिपेंड कर रहा है एसीटोन की कंसेंट्रेशन और एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन पे फिर एच टू प्लस आई टू यू टू एच आई ये एक सेकेंड ऑर्डर है फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर पर वो एसिडिक मीडियम में था दिस इज इन बेसिक मीडियम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेपोनिफिकेशन फिर एन टू ओ की थर्मल डिकम्पोजिशन तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अब देखिए फर्स्ट केस लेते हैं हम सेकेंड ऑर्डर में ए गिव्स यू प्रोडक्ट और क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू के इनटू टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वेयर ओके ऑर्डर इज टू तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ए नंबर ऑफ मोल्स होंगे एक्स तो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए माइनस डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा के ए स्क्वेर तो मतलब डी ए डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए को लेफ्ट में ले आएंगे माइनस के डी उसके बाद इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ए की कंसंट्रेशन कहां से कहां जाएगी सी नॉट से सी टी पे जाएगी टाइम आपका कहां से कहां जाएगा जीरो से टी तक तो इंटीग्रेट करने पे आपके पास क्या आएगा देखिए डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है इंटीग्रेशन पे एक्स रेज टू पावर देखिए एक्सप को ऊपर आप ले आ सकते हैं डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर की अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये क्या आएगा एक्स रेस्ट वर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा वन अपॉन सी टी माइनस वन अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के टी तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लो ठीक है अब इसको आप और कैसे लिख सकते हैं देखिए वन अपॉन सी टी इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन सी नॉट इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं तो इसको अगर हम y ले लें तो ये एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन में आ जाएगा ओके देन सेकेंडली इसके लिए अगर हमें t हाफ को डिफाइन करना हो तो t हाफ के लिए क्या होगा जबकि जब हाफ लाइफ होगी तो एट t हाफ फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी C नॉट बाय टू okay. ओके तो इस इक्वेशन में Ct को C नॉट बाय टू अगर हम पुट करते हैं तो आपका फाइनली जो T हाफ आएगा दैट विल बी k डिवाइड बाय वन अपॉन K इन टू सी नॉट दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर द टी हाफ अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है T half कि टी हाफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखिए जीरो ऑर्डर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इंडिपेंडेंट था इनिशियल कंसेंट्रेशन से सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक ट्रेंड हम देख सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट रेस्ट पावर जीरो मतलब इंडिपेंडेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी नॉट फॉर सेकेंड ऑर्डर तो इसी तरह से चलेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी नॉट का स्क्वेयर फॉर थर्ड ऑर्डर तो यहां से अगर आप कंक्लूजन लगाएं तो टी हाफ का इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है सी नॉट रेज टू पावर एन माइनस वन और वन माइनस एन देखिए एन को अगर जीरो ले लें हम जीरो ऑर्डर में तो सी नॉट वन आ जाएगा एन को वन ले लेते हैं तो वन माइनस वन जीरो टू ले लेते हैं तो वन माइनस टू माइनस वन तो दिस इज द इक्वेशन फॉर टी हाफ की टी हाफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ कैसे रिलेटेड है ठीक है तो सेकेंड ऑर्डर में आप देखिए इनवर्सली रिलेशन है तो अगर आप सी नॉट को डबल करते हैं तो टी हाफ क्या हो जाएगा हाफ ठीक है तो यहां पर मिकसते हैं इन सेकेंड ऑर्डर Reaction, if concentration is, और उल्टा अगर हम concentration को half कर दें तो T half double हो जाएगा Okay, तो इसका मतलब है कि आपने 100 से start किया या suppose 100 क्या इसको मैं आपने A से start किया तो अगर ये टी टाइम में ए बाय टू हुआ तो इस टी टाइम को क्या लिखेंगे आप टी हाफ ओके अब क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी 50% परसेंट हो गई मतलब आधी होगी ना कंसंट्रेशन तो अगला टी हाफ अब डबल हो जाएगा तो इस ए बाय टू को आधा करने में मतलब ए बाय फोर करने में डबल टाइम लगेगा अब टू टी लगेगा इस ए बाय फोर को फिर आधा करने में उससे भी डबल टाइम लगेगा फोर टी लगेगा ए बाई एट को फिर से आधा करना है ए बायटीन तो उसके लिए फिर से इसका डबल लगेगा मतलब जैसे जैसे आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है आधी हो रही है टी हाफ डबल हो रहा है ठीक है अब आधे की जगह आप इसको लिखे सपोज ए बाई थ्री हो गया तो इनिशियल कंसेंट्रेशन वन थर्ड हो गई तो अगला टी हाफ क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स हो जाएगा तो टी का थ्री टाइम्स लगेगा थ्री टी लगेगा किस लिए इसका दोबारा से वन थर्ड करने के लिए ठीक है तो इसका ए बाय नाइन हो जाएगा ठीक है अब इसकी वन थर्ड होगी तो इसका थ्री टाइम्स लगेगा अब नाइन टी लगेगा इसका वन थर्ड करने के लिए ठीक है तो ये आप फैक्टर याद रखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर में इस तरह से टी हाफ वेरी करता है ओके आई थिंक दैट इज क्लियर तो अब देखिए हमने अभी तो केस वन ही किया है केस टू में अगर आपके पास ए की जगह यहां पर टू ए हो या एन ए हो तब हम क्या करेंगे ठीक है तो उसके लिए देखिए इस टी आपको आई आए आएगा सी आपने पहले ही नोट डाउन कर लिया होगा या पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं ओके तो टी हाफ की इक्वेशन अब देखिए केस टू फॉर एन ए अगर आपको प्रोडक्ट दे रहा है और ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू के इन टू ए रेज टू पावर टू तो यहां पर आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला लिखेंगे वो वन अपॉन सी टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी नॉट प्लस एन के टी होगा बस इतना सा आपको यहां पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपका के टी की जगह एनकेटी आ जाएगा और इसके लिए t हाफ हो जाएगा वन अपॉन एन के सी नॉट तो इस तरह से फॉर्मूला आपका जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा तो ये हमने दोनों केस कर लिए अब देखिए कुछ ग्राफ्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन किस तरह से होती है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर और, जीर और, और, और सेकेंड ऑर्डर में देखिए पहला ग्राफ आपके पास है ए कंसेंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सिज टाइम तो जीरो ऑर्डर में हमने देखा था कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ठीक तो है स्ट्रेट लाइन रही इक्वल अमाउंट ड्रॉप इन इक्वल टाइम तो ये जो ब्लैक कर्व है ये जीरो ऑर्डर के लिए कि स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज है फर्स्ट ऑर्डर का जो डिक्रीज है दैट इज किस तरह से है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है सेकेंड ऑर्डर का डिक्रीज उससे थोड़ा स्लो है मतलब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन सबसे फास्ट कम होता है अगर आपको पूछा जाए कि किसी रिएक्शन में ए से आपने स्टार्ट किया है ठीक है तीनों पॉसिबिलिटी आप ये रिएक्शन आप ए से बी जीरो ऑर्डर से भी कर सकते हो फर्स्ट से भी कर सकते हो सेकंड से भी कर सकते हो तो सबसे जल्दी किस में खत्म होगा ये रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर में क्योंकि देख लीजिए सबसे ज्यादा स्टीप ग्राफ किसका है जीरो ऑर्डर का ओके उससे फास्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर सॉरी उससे स्लो होगा फर्स्ट ऑर्डर और उससे भी ज्यादा स्लो होगा सेकेंड ऑर्डर तो यहां से आप स्पीड कंपेयर कर सकते हैं तो स्पीड्स ऑफ

सेकंड ऑर्डर में आर इज इक्वल टू के इन टू ए स्क्वेयर होता है तो मतलब ए की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट बढ़ेगा ठीक है और जीरो ऑर्डर में तो आर इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है तो ब्लैक लाइन जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए कि रेट कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट फर्स्ट ऑर्डर में ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जैसे ए डबल होगा आर भी डबल होगा तो ग्रीन वाला कर्व फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सेकेंड ऑर्डर में ये क्या है स्क्वेयर के प्रपोर्शन तो ये पैराबोलिक आ जाएगा ठीक है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ठीक है Y X की तरह आ जाएगा ये तो तो यहां पर आप इस चीज को आई गेस समझ सकते हैं कि ये रेड लाइन जो ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है तो ये दो ग्राफ कवर कर लिए नेक्स्ट थिंग इज अब अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन नेचुरल लॉग एटी वर्सेज टाइम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है विद ए नेगेटिव स्लोप ठीक है तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है और सेकेंड ऑर्डर में अगर हम देखें देखिए सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी वन अपॉन सी टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी नॉट प्लस एन के टी तो यहां पर इक्वेशन थी वन अपॉन सी टी चाहे इसको आप ए टी लिख लीजिए इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट प्लस एन के टी या सिंपली के टी अब देखिए वन टाइम इज जीरो पे वन अपॉन ए टी कितना आएगा वन अपॉन ए नॉट तो आपकी वैल्यू स्टार्ट हुई यहां से वन अपॉन ए नॉट से और वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स स्ट्रेट लाइन जाएगी तो वन अपॉन एटी का टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन विद वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट और जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन सीधा टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन डिक्रीज करती है तो अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में तीनों में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए कंसंट्रेशन के तो फर्स्ट ऑर्डर में लॉग लगाना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर में वन अपॉन कंसंट्रेशन और थर्ड में सिर्फ कंसंट्रेशन ही नेगेटिव स्लोप देती है अब ये नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि देखिए N2O5 टू डिकम्पोज कर रहा है ओके okay? N2O5 टू फाइव डिकम्पोज कर रहा है और उसके लिए तीन ग्राफ दिए गए हैं हमें तो अगर एन की कंसेंट्रेशन एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है तो ये जीरो ऑर्डर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये व है जीरो ऑर्डर में तो स्ट्रेट लाइन डिक्रीज होता है तो कर्व को देख के आप बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन जब टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करे ये फर्स्ट ऑर्डर होगा ओके okay? या सेकंड ऑर्डर होगा अगर स्लोप थोड़ी और भी उसकी कम की जाए अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से रखा जाए तो वो सेकेंड ऑर्डर होगा नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है विद नेगेटिव स्लोप तो यह फर्स्ट ऑर्डर है और वन अपॉन कंसंट्रेशन अगर कर्व आ रहा है यहां पे तो ये सेकंड ऑर्डर नहीं है क्यों क्योंकि वन अपॉन कंसंट्रेशन अगर सेकंड ऑर्डर फॉलो करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगी तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इन कर्व को देख के पता लग रहा है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ओके सो नेक्स्ट देखिए एनथ ऑर्डर रिएक्शन कि यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस का दैट इज एन मतलब दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है ओके okay? तो ए गिव्स यू प्रोडक्ट इज द रिएक्शन एंड द रेट इज इक्वल टू रिटर्न एज के इन टू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन अब इसके लिए जब आप डेरिवेशन करेंगे दैट इज एक्चुअली नॉट इन दिलेबस आपके आई आई टी के सिलेबस में भी नहीं है बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू डिराइव दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ये आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी एंड टी हाफ के लिए जो फॉर्मूला है ये आप याद रख सकते हैं बट आई डोंट थिंक इसकी कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी और ये टी हाफ का फॉर्मुला एन इज इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है ओके सो दैट इज ऑल जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के कुछ बुक्स में एनथ ऑर्डर रिएक्शन की भी डेरिवेशन दी गई है तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अब ये टेबल आपको तीनों रिएक्शन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और, और, और सेकेंड ऑर्डर को एट अ ग्लांस आप इससे रिवाइज कर सकते हैं कि रेट लॉ जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ऑर्डर के लिए क्या होगा यूनिट्स ऑफ के तीनों के लिए क्या होंगे हाफ लाइफ के लिए क्या फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेश किस तरह से आती हैं और अगर आप प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के डिफरेंट डिफरेंट तो यहां पर किस तरह से ग्राफ होंगे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है रिवाइज किया बट स्टिल एक ही बार में आप तीनों रिएक्शंस को यहां से रिवाइज कर सकते हैं ओके okay? अब देखिए नेक्स्ट इज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि एनसीआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर इस तरह का टेबल आपको दिया रहता है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स में किस तरह से सॉल्व करना है इसके लिए अलग से कुछ थ्योरीज हैं कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं ओस्ट आइसोलेशन मेथड लगाते हैं उनकी जरूरत आपको नहीं है जस्ट आपको कॉमन सेंस और थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाना है देखिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए आपको दिया गया ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी गिव प्रोडक्ट तो इसको डिटरमिन करते हैं बाय मेजरिंग द रेट ऑफ ऑफ अंडर फॉलोइंग कंडीशन देखिए अब चार इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स दी हुई हैं ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट बी की इनिशियल कंसेंट्रेशन सी की इनिशियल कंसेंट्रेशन और इन कंसेंट्रेशन पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या था ये उन्होंने दिया है तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए तो पहले आपने क्या लिखना है आपको पता है कि रेट को हम कैसे लिखते हैं के इन जितनी भी रिएक्टेंट्स हैं देखिए ए है, है रिएक्टेंट बी है और सी है तो आप बोल सकते हैं कि चलिए मान लीजिए इसको एक्स ले लिया इसको वाई ले लिया इसको जेड ले लिया क्योंकि ऑर्डर हमें तो पता नहीं है कि हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है यही तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड अब इन केसेस में आपने करना क्या होता है एक कंसंट्रेशन को चेंज करना है बाकी दो को फिक्स रखना है ठीक है जैसे अगर हम फर्स्ट रीडिंग के देखें तो तीनों वैल्यूज पॉइंट जीरो टू हैं ओके और सेकंड को देखें तो ए को आपने जस्ट हाफ कर दिया पॉइंट जीरो वन पे और बी और सी को चेंज नहीं किया ओके okay? तो यहां से अगर देखा जाए कि बी और सी को चेंज जब किया ही नहीं है तो रेट उनकी वजह से तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ए को आधा करने पे रेट पे क्या फर्क पड़ा देखिए टू पॉइंट जीरो एट इंटू टेन माइनस थ्री से वन पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन माइनस थ्री हो गया दैट इज एक्जेक्टली हाफ तो मतलब ए हाफ किया रेट हाफ हुआ तो कैसा होना चाहिए डायरेक्टली प्रपोर्शनल तो यहां से हम बोलते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में पावर क्या होनी चाहिए वन कि ए को आप हाफ कर रहे हो रेट हाफ हो रहा है अगर ए को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा अब अब देखिए सेकंड में क्या करते हैं हम ये हमने किया कंपेयर वन और टू को ठीक है मैं यहां लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एक डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने वाला मैथड नहीं है ये कॉम्पिटिटिव का मैथड है सेकेंड आप कंपेयर कीजिए देखिए ए को वेरिएशन अब हम बी की वेरिएशन देखते हैं तो वन और थ्री को कंपेयर कीजिए ठीक है वन और थ्री तो ए तो जीरो पॉइंट जीरो टू है दोनों में सी भी जीरो पॉइंट जीरो टू है पर बी को डबल कर दिया बी को हमने जीरो पॉइंट जीरो फोर कर दिया है जीरो पॉइंट जीरो टू से तो ए और सी फिक्स हो गए और बी को डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ा तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ या फर्स्ट और थर्ड रीडिंग में क्या फर्क है 2.08 से 4.16 हो गया तो बी को डबल किया तो बी के डबल करने से रेट भी डबल हो गया टू से फोर हो गया तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है वन है अब सी को देखते हैं सी कहां चेंज हो रहा है देखिए थ्री और फोर में सी चेंज हो रहा है ओके और ये आप देख सकते हैं कि वन और फोर में भी ये चेंज हो रहा है तो C को हमें चेंज करना है तो फोर को तो कंसिडर करना है फोर्थ एक्सपेरिमेंट को और A और B को हमें फिक्स रखना है तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है देखिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें A और B के रेट तो पता लगेगा उन दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है ठीक है तो अब हम कंपेयर करते हैं देखिए वन और फोर को ठीक है चलिए वन और फोर को हम कंपेयर करेंगे तो वन में सभी पॉइंट जीरो टू हैं अब फोर में आपने ए को आधा कर दिया तो रेट आधा होना चाहिए था बी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है और सी को डबल कर दिया तो पहली चीज की रेट तो आधा होना चाहिए था ए की वजह से सी से क्या होगा हमें नहीं पता अब देखिए रेट कितना चेंज हो रहा है 2.08 से 8.32 हो रहा है मतलब चार गुना ज्यादा तो चार गुना ज्यादा हो रहा है तो ए की वजह से रेट क्या होना चाहिए था आर बाय टू आधा सी की वजह से कितना होना चाहिए था सपोज एक्स टाइम बढ़ना चाहिए था और बड़ा कितना है टोटल फोर टाइम्स फोर आर हुआ है तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए एट ठीक है मतलब सी को डबल करने से ही रेट कितना फर्क पड़ा रेट पे आठ गुना फर्क पड़ा तो मतलब सी के रिस्पेक्ट में पावर थ्री होनी चाहिए क्योंकि सी को आप डबल करेंगे तो टू रेज टू पावर थ्री जाके आपके पास एट आएगा तो अब यहां से मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है दैट इज थ्री ओके तो आई थिंक इतना आपको डायरेक्ट कॉमन सेंस यूज करके समझ आ गया होगा तो अब अगर हमें इसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करना हो ठीक है यहां तो हमने कॉमन सेंस लगा ली जो आपको लगानी चाहिए तो सिस्टमेटिकली सॉल्व करना हो तो देखिए फर्स्ट केस हम क्या करेंगे रेट आर वन इज इक्वल टू के इन ए रेज टू पावर एक्स b रेज टू पावर y c रेज टू पावर z डिवाइड बाई r2 ये क्या आ जाएगा k a रेस्ट टू पावर x b रेस्ट टू पावर y c रेज टू पावर z अब r1 हमने कौन सी रीडिंग ली है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की r2 कौन सी है ये सेकंड एक्सपेरिमेंट की रीडिंग है ठीक है तो दोनों में रेट आपको दिए गए हैं तो देखिए फर्स्ट क्या दिया आपका 2.08 पॉइंट जीरो एट इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस थ्री सेकेंड रेट कितना है 1.04 पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन एचक्वायर माइनस थ्री और क्योंकि वन और टू में बी और सी तो कांस्टेंट है तो बी और सी की जो वैल्यू होगी ऊपर नीचे सेम होगी ऑर्डर सेम होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास के तो वैसे ही कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन जो फर्स्ट में दी गई है जीरो पॉइंट जीरो टू रेज टू पावर एक्स अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन रेज टू पावर एक्स तो आ जाएगा टू ठीक है और इसको आप कैसे लिखते हैं देखिए जीरो पॉइंट जीरो टू डिवाइड बाय जीरो पॉइंट जीरो वन रेज टू पावर एक्स लिख सकते हो तो ये तो टू आ जाएगा तो टू इज इक्वल टू टू रेज टू पावर इसलिए एक्स इज इक्वल टू वन आ गया ठीक है तो हमने ये वन और टू को कंपेयर किया यहां पे सेकंड में अब हम किसको कंपेयर करेंगे वन और थ्री को तो मैं लिखूंगा आर वन बाय आर थ्री सेम प्रोसीजर ए एक्स बी वाई सी जेड ओके okay? तो इसमें भी आपको वही करना है अब वन और थ्री में जब हमने कंपेयर किया था ए फिक्स है और सी भी फिक्स है सिर्फ बी चेंज हो रहा है तो आर वन की वैल्यू है टू पॉइंट जीरो एट इंटू टेन रेज और माइनस थ्री आर थ्री की है फोर पॉइंट वन सिक्स इंटू टेन रिज और माइनस थ्री सिर्फ बी चेंज हो रहा है के कैंसिल हो जाएगा तो मतलब बी की इनिशियल वैल्यू, वैल्यू वन में कितनी है जीरो पॉइंट जीरो टू थर्ड में कितनी है जीरो पॉइंट जीरो फोर रेज टू पावर वाई तो ये वन बाय टू तो यहां से आ जाएगा आपके पास कि वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू रेज टू पावर वाई तो वाई भी वन आ गया ओके okay. और वैसे अब सी में क्या करेंगे हम अब किसको कंपेयर किया था हमने वन और फोर को कंपेयर किया था ठीक है तो देखिए वन तो आर वन बाय आर फोर आर वन को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं टू पॉइंट जीरो एट इंटू टेन दर माइनस थ्री डिवाइड बाय फोर्थ में कितना है 8.32 पॉइंट थ्री टू इंटू टेन और माइनस थ्री के तो वैसे कैंसिल होगा अब आप जब फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं तो ए भी चेंज हो रहा है सी भी चेंज हो रहा है बी नहीं हो रहा तो बी तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो देखिए ए और सी चेंज हो रहे हैं तो मतलब ए की आर में कंसनट्रेशन है जीरो और उसके बाद उसकी कंसेंट्रेशन जीरो पॉइंट जीरो वन हो गई है और ए की पावर एक्स है और एक्स की हमें पता है वैल्यू वन है सी की कंसेंट्रेशन कितनी है देखिए सी की कंसनट्रेशन थी जीरो पॉइंट जीरो टू और वो डबल हुई है जीरो पॉइंट जीरो फोर और इसकी पावर है जेड तो यहां से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जेड ऑटोमेटिकली आपके पास थ्री आ जाएगा और फिर अगर पूछा गया हो कि रेट निकालिए फाइनली तो अब तो आप किसी भी कंसंट्रेशन पे रेट निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों आपको पता है या पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू निकालिए तो ए की वैल्यू पुट करिए बी की कंसेंट्रेशन पुट करें सी की कंसेंट्रेशन पुट करें एक्स वाई जेड आपको पता है के निकल जाएगा ओके तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ गया किस तरह से करने हैं एक फैक्टर को वेरी करना है बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को कांस्टेंट रखना है और बुक्स जो दिफ्रेंग दिफ्रेंग में जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिए हैं हिट एंड ट्रायल कोई इसोलेशन मेथड उनकी कोई आपको जरूरत नहीं है ठीक है बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सबस्टांसिस ए एंड बी आर प्रेजेंट सच दैटेंट्रेशन फोर टाइम्स बी है और ए का हाफ लाइफ फाइव मिनट्स दिया गया है बी का हाफ लाइफ फिफ्टीन मिनट दिया गया है अगर दोनों सेम टाइम पे डी के करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से तो कितनी देर के बाद दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो अब मैं आपको एडवाइस फिर से करूंगा कि आप पॉज करके वीडियो को तीन मिनट एटलीस्ट तीन मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्राई करें ओके और फिर उसके बाद देखें कि सॉल्यूशन में क्या किया गया और कैसे किया गया तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा अब ए की कंसेंट्रेशन अब इसको शॉर्टकट से कर रहा हूँ ठीक है देखिए ए की कंसनट्रेशन फोर टाइम्स बी है और उनको डिक्रीज होना है और ए का हाफ लाइफ है फाइव मिनट्स तो चलिए ए की कंसनट्रेशन ए बाय टू हो जाएगी कितने मिनट में पाँच मिनट में ए बाय फोर हो जाएगी अगले पाँच मिनट में उससे अगले पाँच मिनट में कितनी हो जाएगी ए बाई एट उससे अगले पाँच मिनट में ए बाय सिक्सटीन अब ऐसे तो हम चलते जाएगी गाड़ी ए को हमें क्या लिखना है फोर बी क्योंकि हमें पता है कि बी की कंसंट्रेशन पंद्रह मिनट में आधी हो जाती है बी बाय टू हो जाती है तो ए किसके बराबर है फोर बी तो a की जगह उसको फोर बी लिखो तो पाँच मिनट में ये कितना हो जाएगा टू बी अगले पाँच मिनट में ये कितना रहेगा बी उससे अगले पांच मिनट में कितना हो जाएगा ये बी बाई टू तो ये भी बी बाय टू पहुंच गया ये भी बी बाई टू है कितने मिनट लगा पंद्रह मिनट तो आंसर इज फिफ्टीन मिनट्स ओके और अगर आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है इसको एक्चुअल तरीके से कि आपको इक्वेशन अप्लाई करनी है तो K तो आप निकाल सकते हैं ना K A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693 पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड टी हाफ ऑफ ए कितना है पांच मिनट के ऑफ बी कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाय पंद्रह मिनट ओके तो अगर हम इसके लिए लिखें ए के लिए इक्वेशन तो ए के लिए इक्वेशन क्या जाएगी Ka, that is 5, is T, T के ए दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाय फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी कि टी टाइम के बाद वो बराबर हो जाएंगे लॉग इनिशियल आपने ए कितने से स्टार्ट किया था ए आपके पास फोर टाइम बी है और फाइनली ये कितना होना चाहिए बराबर होना चाहिए दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ठीक है मान लीजिए फाइनली ये एक्स हो रहा है बी के लिए लिखते हैं इक्वेशन इसका के आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी टी टाइम के बाद ये भी उतना ही पहुंच जाएगा ये बी से ही स्टार्ट हुआ है और ये भी एक्स पहुंच जाएगा दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास तो आंसर आ जाएगा ओके okay? अब आप बोलेंगे यहां पर फोर बी है और यहां बी है तो बेटर है उसको फोर टाइम्स बी का मतलब है बी को वन मान लो ठीक है इसको जस्ट फोर ही रहेगा फोर बाय एक्स और वन बाय एक्स तो एक्स और टी दो अननोन दो इजीली सॉल्व हो जाएगा बट स्टिल थोड़ा सा लेंथी है ओके okay? तो आई गेस दैट वाज सिंपल क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेडियो आइसोटोप पे है, मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड है रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन पे क्योंकि रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है अब टू रेडियो आइसोटोप एंड बी ऑफ अटोमिक वेट एक्स एंड वाई आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट बाय वेट तो ए और बी दोनों के अटोमिक वेट आपको एक्स और वाई दिए गए हैं दोनों के हमने बराबर बराबर वेट ले लिए मान लीजिए पांच ग्राम एक का ले लिया पांच ग्राम बी का ले लिया वेट हमने बराबर लिए मोल्स नहीं लिए ठीक है ये ध्यान रखना कि इक्वल अमाउंट बाय वेट 20 दिनों के बाद उनकी जो वेट रेशियो थी वो फोर इज टू वन है ठीक है अब आइसोटोप ए का हाफ लाइफ वन डे है और बी का हाफ लाइफ आपको पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे होगा रेडियो एक्टिव की डीके के लिए तो यहां पर हम के की जगह यूज करते हैं लेमडा जो रेट कांस्टेंट है उसको रेडियो एक्टिव डिस में हम लेमडा लिखते हैं तो देखिए लेमडा ऑफ ए कितना आ जाएगा 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग इनिशियल आपने कितना लिया था ए का कंटेंट मान लीजिए डब्ल्यू नॉट क्योंकि दोनों बराबर अमाउंट में लिए तो दोनों को बराबर ले, ले लेते हैं माले W नॉट आपने अमाउंट लिया डिवाइडेड बाय फाइनली वो कितना बचा फाइनली बचा होगा डब्ल्यू ए ठीक है तो हम लिख रहे हैं डब्ल्यू ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए एंड बी टेकन इनिशियली वैसे ही तो आपका से फर्स्ट आ आगी अब वैसे ही सेकंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइड बाई टी लॉग बी भी आपने कितना लिया था स्टार्टिंग में डब्ल्यू नॉट फाइनली कितना बचा होगा डब्ल्यू बी अब उसने दिया है क्वेश्चन में कि आफ्टर 20 डेज टी का वैल्यू टी की वैल्यू कितनी है 20 है तो ये 20 डेज हैं ये तो 20 डेज के बाद उनकी रेशियो क्या है फोर इज टू वन किसकी ए अपॉन बी मतलब डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी इज इक्वल टू फोर बाय वन ठीक है तो अब अगर हम यहां से लेमडा ए माइनस लेमडा बी करें तो वो क्या आएगा इक्वलाइज करने पे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय ट्वेंटी लॉग ऑफ देख ली डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे ठीक है जब लॉग को आप एक्सपेंड करेंगे ओपन करेंगे फिर बचेगा लॉग ऑफ डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एके और डब्ल्यू बी बाई ए कितना है वन बाय फोर है तो इसको आप वन बाय फोर पुट करेंगे यहां पर क्लियर तो आई थिंक इतना तो आपको समझ आ गया होगा तो यहां पर डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए की वैल्यू दी गई है तो लेमडा ए माइनस लेमडा बी आपको मिल जाएगा अब उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें यह दी गई है कि आइसोटोप एज ए हाफ लाइफ ऑफ वन डे दैट इज टी हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन डे तो के ऑफ सॉरी नॉट के यहां पर लेमडा लिखेंगे हम तो लैमडा ऑफ ए कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाई टी हाफ जो कितना होगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डेज क्योंकि टी हाफ वन डे है तो लैमडा ये आ जाएगा 0.693 पर डे तो लैमडा ए की वैल्यू आपको पता है तो यहां से लेमडा बी की वैल्यू निकल जाएगी कैलकुलेट करने पे 0.623 पर डे कि एक दिन में इतनी डिकम्पोजिशन हो रही है और टी हाफ ऑफ बी कितना आ जाएगा टी हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाय उसके लिए लेमडा की वैल्यू दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स टू थ्री या आ जाएगा वन पॉइंट वन वन डेज तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लें एक बार सॉल्व करके ओके एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टूडेज लेक्चर तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्लो स्टेप का रेट डिटर्मिनिंग एक्शन जो होता है उसको हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिखने में ओके okay? सो प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चन इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो एनसीआर टी में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं केमिकल कानेटिक्स के तो जितने भी टॉपिक्स अब तक कवर हो गए हैं फर्स्ट ऑर्डर पर उतने आप सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर कमिंग टू द सेकेंड नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू डिटर्मिन द रेट लॉ फ्रॉम द स्लो स्टेप इक्वेश मैकेनिज्म से और उसके बाद हम आ जाएंगे थियोरेटिकल पार्ट में कि टेम्परेचर के साथ रेट की वेरिएशन कैसे होती है आरहीनेस इक्वेशन क्या है ओके okay? तो वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट जहाँ पर कैटलिसिस वगैरह इन्वॉल्व होगा तो बिफोर दैट आपको फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में है तो वो सॉल्व कर लेना चाहिए ओके सो थैंक यू फॉर टाइम हैवे नाइस डे